थोड़ा अंदर आइए। जय जय राजस्थान, मैं श्रवण सागर हूँ और राजस्थानी सिनेमा करूँ हूँ। एक छोटो सो का आयोजन सरकार को ध्यान राजस्थानी सिनेमा के तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो है, वह 7 तारीख से 13 तारीख तक एक समारोह को आयोजन करा जा रहे है, क्योंकि यो फरवरी को महीनो है। इनमें सरकार आपका बजट सत्र में राजस्थान सिनेमा और राजस्थानी भाषा संस्कृति के लिए क्यों नई बजट में घोषणाएं कर दे, इस खातर एक 7 दिन को 7 संभाग पे एक आयोजन किया जा रहे हो, जिसको नाम रखे में राजस्थानी सिनेमा महोत्सव। बी की आज यह 3री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाली मीटिंग है, जिसमें हमारा उदा का जितना भी कलाकार है, समीर खान जी है, राजेंद्र बारट जी के मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें बोर्ड साहब, ओम साहू और बहुत सारे निर्माता निर्देशक हैं, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे साथ हैं। हमारी राजस्थान सिनेमा की सबसे बड़ी जो पीड़ा है वह यह है कि राजस्थान की फिल्मा कल तक खातिर कोई सिनेमा हॉल को नहीं। तो मैं चाहूँगा कि सारा को एक मत है कि एक सिनेमा में एक शो रोजाना मान मिले दूसरी सरकार के तहत। भाई कोई नियम है, बस एक बार सिनेमा में पिक्चर लाग सी तो कन्फर्म है कि हमारा सिनेमा लोग देख सी। अगर यूट्यूब माध्यम मिलियंस में हमारा व्यू बढ़े तो कल सिनेमा में भी लोग आसी और भाई संस्कृति और हमारा जो सिनेमा है उनको संरक्षण हो सी, तो बड़ा लोगों ने कलाकारों ने काम मिल सी, रोजगार मिल सी। और मैं कहूँ कि हमारा कलाकार भी एक दिन दूसरी इंडस्ट्रियों की तरह बड़ा हो सी, हमारा राजस्थान का लोगों ने गर्व करने को मौको दे सी। तो वो जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक बहुत ही उम्दा तरीकों में सरकार के सामने रख रहे हैं। इनमें हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का बड़ा बड़ा भाषाविद है, राजस्थानी सिनेमा से जुड़े हैं, और सब ने मिलकर में पुरोधो बना के सरकार ने पेश करा। वो कार्यक्रम राजस्थानी सिनेमा संघ एसोसिएशन और आर्ट एंड कल्चर पर्यटन के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सबने मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नाम सर आपका? मैं श्रवण सागर हूँ, राजस्थानी सिनेमा में अभिनेता हूँ।